तो हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक जगह के बारे में जानेंगे। वो जगह जो है यूएस का एक सामुद्रिक अंचल, जगह का नाम जो है यूनाइटेड स्टेट वर्सिन आइसलैंड। तो दोस्तों चलिए, इस जगह की जो है नेशनल फ्लैग जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है उस जगह की नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों वो जगह कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है, और मैं आपको बताऊंगा गूगल मैप की मदद से दिखाऊंगा वो जगह कहाँ पर है फुल एच डी और बड़ी स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आयतन के हिसाब से जो है अगर हम देश की लिस्ट देखें तो दोस्तों वो जगह जो है 168 नंबर पे आता है देश की लिस्ट में, जहाँ की आयतन या एरिया की बात करें तो 346.4 पर किलोमीटर एक जगह की जो है टोटल आयतन है। तो दोस्तों ये आप देख रही हो इंडिया, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच डी और बड़े स्क्रीन पर, वो जगह कहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट वर्सिन आइसलैंड, जो कैरिबियन सागर में स्थित है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर क्या आ रहा है, ये जो है हमारा इंडिया आपको नजर आ रहा है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यूनाइटेड स्टेट वर्सिन आइसलैंड, जो एक कैरिबियन सागर में स्थित एक यूएस का एक सामुद्रिक अंचल है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो एक छोटा सा जगह है, यहाँ पर लोकेशन आपको नजर आ रहा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, दक्षिण में जो है कैरिबियन सागर, उत्तर में जो है ब्रिटिश वर्सिन आइसलैंड है, और यहाँ पर जो है आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल करीब जो है ब्रिटिश वर्सिन आइसलैंड आपको नजर आ जाएंगे। और ये जो है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो लाल घेरे में, वो जगह जो है यूएस वर्सिन आइसलैंड, जो छोटे छोटे द्वीप है अगर हम गलत नहीं है तो। दोस्तों यहाँ पर जो है 50 से ज़्यादा यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है इस जगह पर। हाँ दोस्तों, इस जगह की जो राजधानी जो है शार्लोटे अमाली, हाँ दोस्तों शार्लोटे अमाली ये जगह की जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है शार्लोटे अमाली। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जगह की जो छोटे छोटे कुछ द्वीप है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो लाल घेरे में मौजूद है। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा, पश्चिम में जो है पोर्टो रिको, पूर्व में जो है एंगुइला। हाँ दोस्तों, और भाषा की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है और क्रियोलन इंग्लिश भी यहाँ पर बोला जाता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको उस जगह की कुछ यहाँ पर जो है घर दिखा रही हूँ, और यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और यहाँ पर जो है इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर जो है एक पोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देख लीजिए यहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है ना। हाँ दोस्तों, इस जगह की जो गवर्नर है, हाँ दोस्तों उस जगह की जो है गवर्नर है वो जो है अल्बर्ट ब्रायन। हाँ दोस्तों, इस जगह के मौजूदा गवर्नर है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर बड़े बड़े जहाज भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये जो है एक पोर्ट है। तो दोस्तों बिल्कुल बाजू में जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज मैं आपको साइड में दिखाने की कोशिश करी हूँ, इंटरनेशनल इमेज की बिल्कुल बाहर आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, इस इंटरनेशनल इमेज की इमेज जो दिखा रही हूँ ये जो है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्कुल बाहर है। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हो। धर्म की बात करें तो ये जो है ख्रिस्टन समूह एक अंचल है, जहाँ 94.4% यहाँ पर ख्रिस्टन इंसान यहाँ पर रहता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर जो है ट्रिलेजेंजा रोच। हाँ दोस्तों, ट्रिलेजेंजा रोच इस जगह की जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और यहाँ की GDP की अगर हम बात करें तो दोस्तों 4.068 बिलियन इस जगह की जो है टोटल GDP की। हाँ दोस्तों, अगर हम दुनिया के अंदर जनसंख्या या पॉपुलेशन की नज़र से ये जगह को एक देश अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो है वो लिस्ट में कहाँ पर आएगा। हाँ दोस्तों, 191 नंबर पे जो है ये जगह या कह सकते हो ये देश जो आएगा। हाँ दोस्तों, ये जो है पॉपुलेशन की लिस्ट में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1814 से 1970 तक जो है ये जगह जो है डेनमार्क थी। हाँ दोस्तों, डेनमार्क का जो है एक सामुद्रिक स्वाधीन राज्य था। हाँ दोस्तों, डेनमार्क का था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो जो है 1840 से 1970 तक डेनमार्क का जो है एक स्वाधीन राज्य था, और डेनमार्क जो है इस जगह को जो है बेच दिया गया है यूएस को 25 करोड़ डॉलर से जो है ये जगह को जो है बेच दिया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट वर्सिन आइसलैंड बन गया है। हाँ दोस्तों, जो 2017 में एक बड़ा तूफान आया इस जगह पर, जो एक हैरिकेन कह सकते हो, और इस जगह की दो द्वीप जो है एकदम तहस नहस कर दिया। हाँ दोस्तों, इस जगह की जो है दो द्वीप था, वो दो द्वीप को जो है एकदम तहस नहस कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस जगह की जो सुरक्षा की दायित्व है वो जो है
यूएस की सेना के पास। ये हमारे देख लीजिए कुछ छोटे छोटे द्वीप आपको नजर आ जाएंगे, और इससे भी बड़ी एक जगह है यूएस वर्जिन आइलैंड की यहाँ पर, आप देख लीजिए थोड़ी दूर है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पॉपुलर अगर हम खेला की बात करें वो जो है बास्केटबॉल। यहाँ पर जो है एक क्रिकेट टीम है जो वेस्ट इंडीज के साथ जो है एक क्रिकेट टीम बनाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए इस जगह की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो है एक न्यूज़पेपर है, हाँ दोस्तों एक जो है न्यूज़पेपर का कंपनी है, उस न्यूज़पेपर का नाम जो है द वर्जिन आइलैंड डेली न्यूज, हाँ दोस्तों द वर्जिन आइलैंड डेली न्यूज। और यहाँ पर जो है 50 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप है इस जगह पर, और कुछ कुछ द्वीप में जो है इंसान भी नहीं रहता है, और इस जगह में जो है कुछ भारत के कल्चर यहाँ पर पालन कर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दिवाली नवरात्रि यहाँ पर भी पालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडियन रहता है। भारत की सिनेमा भी यहाँ पर दिखा जाता है। प्रथम भारतीय आया था 1863 में जून में, हाँ दोस्तों। और ये जगह की जो है कुछ भारतीय रहता है उसका अगर परसेंटेज देखें तो दोस्तों 1.4% यहाँ पर भारतीय है, हाँ दोस्तों। और यहाँ पर भारतीय की सांस्कृतिक केंद्र भी है, और यहाँ पर भारत की कुछ मंदिरें भी है जहाँ पर भारत की जो है कह सकते हो यहाँ पर आस्था से जुड़ा हुआ कुछ जगह भी है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इस जगह की जो है नेशनल एंथम, हाँ दोस्तों इस जगह की नेशनल एंथम। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आदर्श भाग का नीति भाग का मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ऑफिशियल नेम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, और जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर वर्जिन आइलैंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर कैपिटल देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शार्लेट अमाली, हाँ दोस्तों अमाली यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, हाँ दोस्तों इंग्लिश भाषा यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। और यहाँ पर धर्म की बात कर रही है, ख्रिस्टान समूह एक देश है, 94.4% यहाँ पर ख्रिस्टान रहता है, जहाँ इंडियन रहता है 1.4%। यहाँ पर गवर्नर कौन है इसका यहाँ पर इमेज में मैं आपको दिखाऊंगा, और इसका नाम लिख दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा और अगर हम यहाँ पर पानी की बात करें तो बहुत कम पानी, पीने वाला पानी बहुत कम मिलता है इंडिया पर जो है 9%। टोटल जीडीपी देख लीजिए 4.068 बिलियन टोटल जीडीपी इंडिया जो है ट्रिलियन पे है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +1340। और यहाँ पर देख लीजिए इस जगह की जो पॉपुलेशन 1,10,000 इस जगह की जो है टोटल पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन के अंदर इंडियन जो रहता है 500 से ज़्यादा इंडियन रहता है, ज़्यादातर इंडियन जो है काम करता है, हाँ दोस्तों काम करने के लिए यहाँ पर आता है। कुछ इंडियन की होटल है, कुछ रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर जो है भारत की दूतावास नहीं है, इस देश की दूतावास भारत में है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये जगह जो है या ये देश जो है इस अंचल जो है कहाँ पर है दुनिया के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, और ये जगह की कुछ द्वीप मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये दो द्वीप जो प्रधान द्वीप है और ये द्वीप जो है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच जो है 36 माइल्स की दूरी है, और यहाँ पर जो है 85 किलोमीटर की दूरी है, आप कह सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ एक एक करके, 50 से ज़्यादा यहाँ पर द्वीप है इस जगह की, हाँ दोस्तों। और यहाँ पर जो है, हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ ऐसा जगह है जिस जगह पर जो है कह सकते हो सुकूनदायक जगह है, कह सकते हो वहाँ पर जो है सिर्फ शांति ही शांति है, क्योंकि यहाँ पर, हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है पर्यटक सबसे ज़्यादा आता है, हाँ दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ ये जो जगह आप देख रही हो इस जगह को जो है रात के समय कैसा दिखता है। तो दोस्तों चलिए मैं रात के समय एक इमेज दिखाती हूँ बिल्कुल ऐसा जगह पर, ये देख लीजिए। देखा हाँ दोस्तों, ऐसी जगह पर जो है रात के समय कुछ ऐसा ही दिखता है, बहुत ही शानदार है ना, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस जगह पर जो है, हाँ दोस्तों इस जगह पर जो है हमारी कोई दूतावास तो नहीं है, लेकिन इस जगह की जो दूतावास है, हाँ दोस्तों या कह सकते हो इस अंचल की जो दूतावास हमारी इंडिया में मौजूद है, एक रिपोर्ट कहता है, ठीक है एक रिपोर्ट कहता है। देख लीजिए उस जगह के बाहर जो है कुछ ऐसा इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ जो बहुत ही शानदार आपको नजर आ जाएंगे, है ना, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों उस जगह पर, हाँ दोस्तों उस जगह पर कुछ सरकारी पद में रहने वाला इंसान की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो गवर्नर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो यहाँ पर जो है कह सकते हो जो जो प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों उसका भी इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए मैं आपको दिखाया था जो नेशनल एक एयरपोर्ट के बाहर की इमेज जो आप देख रही हो, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए ये एक इमेज जो उस जगह की, हाँ दोस्तों उस जगह की इमेज, हाँ दोस्तों। और ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ उस जगह पर सरकारी पद में रहने वाला कुछ इंसान की इमेज, हाँ दोस्तों कुछ इंसान की इमेज जो उस जगह के सरकारी पद में रहने वाला है, हाँ दोस्तों एक एक करके इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा।
जो अल्बर्ट ब्रायन जो इसका इमेज में आपको दिख दिया है, वो जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका भी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है यूएस की दायित्व में रहने वाला इस जगह के दायित्व करता है या सामुद्रिक अंचल की दायित्व लेता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए इंडिया के दूतावास कौन कौन से देश में है, जो जो देश में इंडिया के दूतावास है वहाँ पर जो है ब्लू कर दिया गया है, जहाँ पर ब्लू नहीं है वहाँ पर जो है इंडिया की दूतावास नहीं है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंडिया की दूतावास जो है कौन कौन सी जगह पर है वो मैं आप दिखा दिया हूँ। और ये जो है क्रिश्चियन समूह देश है, दुनिया के अंदर क्रिश्चियन समूह देश जो है कौन कौन सी जगह पर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। सबसे ज़्यादा जहाँ पर रेट है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन समूह इंसान रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देख लीजिए इंडिया के साथ रिलेशन सबसे अच्छा कौन कौन सी देश के अंदर है या कौन कौन सी देश से अच्छा रिलेशन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जगह छोड़कर यहाँ पर जो है दिखाया गया है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा इंडिया जो है रुख ऐसा साफ नहीं किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो यूएस वर्जिन आइसलैंड इसके आसपास कुछ ऐसा अंचल है, कुछ ऐसा देश है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके बताते हैं। जो हाइती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, पोर्टो रिको है, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड है, एंगुइला है, सेंट किट्स एंड नेविस है, एंटीगुआ एंड बरमुडा है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ माउंट सीरट एक जगह भी है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूएस का एक सामुद्रिक अंचल जिस अंचल का नाम जो है यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइसलैंड, जहां पर कैरिबियन सागर में ये छोटा सा अंचल स्थित है। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो भी लिखना चाहिए कॉल पर डिलीट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।